चैनल स्पून विद कोक होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बनाएंगे एक इंस्टेंट सा स्वीट डिश। अगर किसी दिन आपका बहुत ही ज्यादा मीठा खाने का मन हो और झटपट बनाना हो तो इस डिश को आप जरूर ट्राई कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी के लड्डू। चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने लिया है 20 स्ट्रॉबेरीज। ये मीठे स्ट्रॉबेरीज हैं काफ़ी। इसे एक मिक्सी में हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें दरदरा पीस लेना है। इसका एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस इसे हमें दरदरा पीस लेना है। यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट। कढ़ाई ले लेंगे हम, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। आप घी की जगह बटर यूज़ कर सकते हैं, तेल यूज़ कर सकते हैं। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम कोकोनट ऐड कर देंगे और थोड़ा सा कोकोनट हम बचा लेंगे इसकी डेकोरेशन के लिए। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे, जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, बट इसे भूनने के बाद इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप देख सकते हैं ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और सेम बर्तन में हम ऐड करेंगे 5 to 6 टेबलस्पून शुगर। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम मिला देंगे जो स्ट्रॉबेरी हमने क्रश किया था वो। इसे हमें पका लेना है अब, जब तक कि शुगर अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं शुगर काफ़ी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अब जो डेसिकेटेड कोकोनट हमने भून के रखा था उसमें वो ऐड कर देंगे हम। लड्डू बनाते वक्त चीनी मैंने कम यूज़ की थी क्योंकि स्ट्रॉबेरीज मेरे काफ़ी मीठे थे। अगर आपके स्ट्रॉबेरीज थोड़े खट्टे हैं तो आप चीनी का यूज़ ज़्यादा कीजिए। गैस की फ्लेम हम कर देंगे ऑफ और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिक्सचर हमारा काफी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके हम इसके लड्डू बना लेंगे ठीक इस तरह। लड्डू बनाने के बाद जो कोकोनट हमने बचा के रखा था इसमें हम इसे रोल कर देंगे ताकि ये और सुंदर दिखे। इसी तरह से हम बाकी के भी लड्डू बना लेंगे। हमारा स्ट्रॉबेरी एंड कोकोनट लड्डू बनके तैयार है। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।